अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल का हाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम, देखो 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 देखो, एन इवनिंग इन पेरिस, परा 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 परा, एन इवनिंग इन पेरिस। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ये था मेरे ब्लॉग का इंट्रोडक्शन सॉन्ग मैं आया, ट्रैवलर करण रिडवानी। स्वागत है आपका कैपिटल ऑफ फ्रांस पेरिस में। और ब्लॉग की शुरुआत में पेरिस के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दूं तो ये बेहद खूबसूरत शहर 17th सेंचुरी से फिनांस, डिप्लोमेसी, कॉमर्स, फैशन, साइंस और आर्ट्स की फील्ड में यूरोप के मेजर सेंटर्स में से एक है, जहाँ की लोकल रेसिडेंस पॉपुलेशन लगभग 21.5 लाख है और ये शहर 105 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ है। ये है पेरिस का सेंट क्रिस्टोफर्स इन हॉस्टल जहाँ मैंने स्टे किया, और इस हॉस्टल के कॉमन एरिया में विजिटर्स एंजॉय कर रहे हैं बियर पॉट गेम। और रात को पार्टी करने के लिए ये है यहाँ का नाइट बार। और हॉस्टल के अंदर जाते ही मैंने किया एक दूसरी टूरिस्ट के साथ कॉन्वर्सेशन जो कि मेरे साथ डॉर्म शेयर कर रही थी। व्हाट इज योर नेम? नैटली। नैटली, वेयर आर यू फ्रॉम? ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न। ओके, दिस इज द फर्स्ट डेस्टिनेशन यू आर इन यूरोप योर्स? इन पेरिस एक्चुअली। या दैट मींस यू हैव अराइव्ड इन पेरिस फर्स्ट? यस, बट दिस इज माय सेकंड टाइम ऑन दिस ट्रिप इन पेरिस। Okay, now where next you are going? To Dublin, Ireland. Dublin, Ireland. How much hours flight you take from Australia to here? It was two flights. The first one was 9 hours, the second one was 10 hours. Okay, you like Paris? Yeah, I like Paris. Is it safe for you? Is it safe for girls? Some areas are a little bit scary, but mostly it's okay, yeah. How many places you have visited in Paris? I've been all over. This is actually my third time in Paris. Okay. And you like to stay in hostels? Yeah. Okay, you feel safe here? Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you. और ये है हमारे हॉस्टल का रेस्टोरेंट प्लस बार, जो कि सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट पॉइंट होता है और रात को दारू पीने के लिए एक पार्टी प्लेस बन जाता है। और अब मैं जा रहा हूँ अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ, जिसका नाम है सेंट मिशेल, जहाँ से मैं लेने वाला हूँ एक फ्री वॉकिंग टूर पेरिस घूमने के लिए। और मैंने ले ली है मेट्रो, जो कि बहुत ही चीप बजट और बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन है पेरिस में घूमने के लिए। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक रिवर, इस रिवर का नाम है सेंट मिशेल। ये पेरिस की सेंट मिशेल बहुत ही पॉपुलर है और पेरिस के खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। इस रिवर में ये आप देख रहे हैं जो बोट चल रही है, बोट राइड होती है। इसका आई थिंक प्राइस होगा तकरीबन 12 से 15 यूरो 90 मिनट के लिए, डेढ़ घंटे के लिए। इस रिवर का नाम है सेंट मिशेल। पेरिस जाना जाता है अपनी खूबसूरती के लिए, और उन्हीं खूबसूरत जगहों में से एक है ला सेंट चैपल चर्च। और अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ इस चर्च के अंदर। यकीन मानिए अंदर का नज़ारा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। आइए। और अब मैं एंटर कर रहा हूँ इस चर्च के लोअर लेवल में। और यह है वो सीढ़ियाँ जो आपको लोअर लेवल से अपर लेवल पर लेकर जाए, और यह है इस चर्च का अपर लेवल। तो आखिर है ना ये जगह बेहद ब्यूटीफुल और अमेजिंग। और अब चलते हैं बेफिक्रे मूवी में दिखाए जाने वाले लव लॉक ब्रिज की तरफ, जिसका असली नाम है पॉन्ट डस आर्ट्स ब्रिज, जो रेनोवेशन के बाद कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पेडलॉक्स का ओरिजिनल शॉट नहीं मिला, इसलिए मैंने इसके जैसे एक दूसरे कॉर्नर ब्रिज पर
बेफिक्रे का नाम लेते हुए एक व्लॉग शूट कर लिया और वो व्लॉग ये है। उड़े दिल बेफिक्रे, उड़े दिल बेफिक्रे, अंगारों में निखरे, उड़े दिल बेफिक्रे। जी हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि कहीं कर्म पागल तो नहीं हो गया, ये गाना क्यों गा रहा है। मैं गाना इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि मुझे मिल गया है बेफिक्रे वाला ब्रिज, जिस ब्रिज पर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे साइड में लॉक्स लगे हुए हैं, लोगों ने ताले बांधे हुए हैं। इन तालों के पीछे की कहानी क्या है? इन तालों के पीछे की कहानी ये है, जो हिस्ट्री है इस ब्रिज की, वो हिस्ट्री ये कहती है, एक ज़माना था जब पेरिस में प्यार करने वाले लव बर्ड्स, जी हाँ एक ज़माना था जब पेरिस में प्यार करने वाले लव बर्ड्स यहाँ आते थे, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर का साथ निभाने की कस्में खाते थे। यहाँ पर एक ताला वो लगा देते थे और ताला लगाने के बाद वो चाबी इस रिवर में, इस नदी में, ये जो सेंट मिशेल रिवर है इसमें फेंक दिया करते थे। लेकिन एक टाइम आया जब इस ब्रिज के नीचे की दीवारें इन तालों के वजन से क्रैक होने लगी, उसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने इस ब्रिज पर ये ताले लगाना, ये लॉक लगाना बैन कर दिया। लेकिन जो यहाँ के लव बर्ड्स थे उस ज़माने में, वो यहाँ पे लॉक लगाकर एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाकर चाबी जो है नीचे नदी में सेंट मिशेल रिवर के पानी में फेंक दिया करते थे। और ये ब्रिज आपने बेफिक्रे मूवी में ज़रूर देखा होगा। उड़े दिल बेफिक्रे, उड़े दिल बेफिक्रे। और मैं बात कर रहा था इन पेडलॉक्स की। और अब काफ़ी लंबे वक्त के इंतज़ार के बाद मैं पहुंच गया हूं पेरिस के उस टूरिस्ट अट्रैक्शन पे, जिसकी वजह से पेरिस का दुनिया भर में इतना नाम है। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द आईफिल टावर। आप देख सकते हैं मैं पहुंच गया हूँ आईफिल टावर पे। आईफिल टावर के नीचे का ये पूरा एरिया आईफिल टावर देखने के लिए और आईफिल टावर की पिक्चर्स क्लिक करने के लिए और सेल्फीज लेने के लिए बिल्कुल फ्री है। आईफिल टावर के अंदर लिफ्ट यानी कि एलिवेटर भी चलती है, उसके लिए आपको टिकट खरीदनी पड़ती है, जो कि आप ऑनलाइन भी लेकर आ सकते हैं, बट उस टिकट में 2 से 3 महीने की वेटिंग आपको मिल सकती है, इसलिए मैं उस लिफ्ट के अंदर अभी नहीं जा रहा हूँ। और अब जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरा वो वाला गाना ना बहुत गाने का मन कर रहा है। हाँ जी, वही वाला गाना जो इंडिया में ट्रैवल सॉन्ग के लिए बहुत ही पॉपुलर है, और वो गाना है शामे मलंग सी राते सुरंग सी बाकी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए थ्रू। अब गाइस, पेरिस के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। अभी मेट्रो में आते आते मेरे साथ क्या हुआ, दो लड़कों की गैंग थी, एक ने कोशिश करी कि वो आगे झुक गया, वो लड़का जो एक लड़का था वो आगे झुक गया और मेरे शूज़ के अंदर, नीचे से मेरी जीन्स के अंदर हाथ फेरने लगा ताकि मेरा ध्यान उस तरफ चला जाए। उसका जो गैंग पार्टनर था दूसरा लड़का, वो मेरे लेफ्ट, उसने अपनी दो उंगलियां मेरे लेफ्ट साइड वाली पॉकेट में डाली मेरा वॉलेट चोरी करने के लिए, उसने मेरा वॉलेट देख लिया था, लेकिन वॉलेट के साथ फ़ोन पड़ा था, इस वजह से वो वॉलेट निकाल नहीं पाया, मैंने उसको पकड़ लिया। तो पेरिस के अंदर जो है पिक पॉकेटिंग बहुत होती है, जेब कतरे यहाँ की मेट्रो में बहुत घूमते हैं, तो आप भी कभी अगर पेरिस आएँ तो इस बात का ध्यान ज़रूर दें कि यहाँ की मेट्रो में ट्रेन में उस दरवाजे पर चढ़ें जहाँ पर भीड़ ना हो या भीड़ कम हो, और अगर ज़्यादा क्राउड वाले दरवाजे में मेट्रो में आप चढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपका पिक पॉकेटिंग होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो पेरिस में इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप विदेश आते हैं, जब आप फॉरेन आते हैं, तो ये जो है पिक पॉकेटर्स को भी पता होता है कि ऑब्वियसली कि लोकल आदमी की जेब में कैश होना हो, लेकिन टूरिस्ट की जेब में होता ही है। और दूसरी बात ये है कि इन सब बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पैसे या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फॉरेक्स कार्ड कुछ भी अगर गुम हो जाए तो उसके बाद दोबारा पैसे ऑर्गेनाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। तो प्लीज़ इन सब बातों का ध्यान दीजिए, प्लीज़ बीवेयर ऑफ पिक पॉकेटर्स इनसाइड द पेरिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और फॉरन में पैसों और सामान से भी ज़्यादा ज़रूरी अगर कुछ है तो वो है पासपोर्ट। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि इस पर कोई भी आँच ना आए और ये गुम या चोरी तो बिल्कुल ही ना हो। और अब बात बजटिंग की। न्यू दिल्ली से पेरिस की रिटर्न फ्लाइट टिकट्स लगभग 40,000 रुपये, शेंगेन वीज़ा लगभग 8,000 रुपये, पेरिस में हॉस्टल स्टे लगभग 2,000 रुपये पर नाइट पर बेड, लाइका मोबाइल का सिम कार्ड 30 यूरोज़,
और रेडी टू ईट और लोकल फूड मिलाकर लगभग 800 रुपए पर डे। तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।